हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है और भी बहुत कुछ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज द पॉइंट 1.1 जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। अब देखिए, इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ आप वैसे वैसे सुनते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पढ़ना है कि एक ऑर्डिनेंस रिसेंटली पास हुआ है जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023। तो पहली चीज तो ये न्यूज में था क्यों? तो देखिए, ये जो GNCTD ऑर्डिनेंस है इसने अमेंड किया है GNCTD एक्ट 1991 को। काफी ज्यादा न्यूज में था तो हल्का फुल्का आइडिया तो आपको हो गई। अब इसमें हुआ क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है ठीक है ना, इसने नलीफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है वो सब हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसी साल यानी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ठीक है। क्या था वो? दिल्ली से रिलेटेड था, ये चीज आपको पता है, हमारी कैपिटल है दिल्ली। और आर्टिकल 239 AA स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है किसको? हमारी दिल्ली को। अब देखिए, ये जो स्पेशल स्टेटस है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंडर क्या दिल्ली को अलग से मिलता है और यूटीज के कंपैरिजन में। बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखते हैं जिसके ऊपर, जिसको ओवर रूल किया है इस न्यू ऑर्डिनेंस ने। तो इसे दिल्ली में एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है वहां के सीएम के द्वारा। वो इस चीज को कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके ऊपर ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, उनका डिसीजन क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था, मतलब ये डिसीजन दिया था कि देखिए, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है ना, इनकी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सर्विसेज सेक्शन है, सर्विसेज क्या है, देखिए हमने यूनियन लिस्ट पढ़ा है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा है, उनके सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो अब सर्विसेज जो है स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, सेवन शेड्यूल में जो सेकंड लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसके अंडर एंट्री नंबर 41 है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या फायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट होने का अगर वो सिर्फ लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेटिव जो पार्ट होता है वो क्या करता है, लॉ मेकिंग काम करता है। एग्जीक्यूटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है कि जो लॉज बने गए हैं अब उनको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, वो काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो दिल्ली है यहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होने का क्या फायदा कि अगर वो सिर्फ लॉज ही बनाएं और उनको एग्जीक्यूट ना कर पाएं, जो आईएएस हैं, जो सर्विसेज के अंडर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये ऑर्डर ही नहीं दे पाएं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको बता ही नहीं पाएं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है ये चीज, ठीक है। तो कहा कि जो सर्विसेज सेक्टर के अंडर जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, तो पूरी की पूरी सर्विसेज सेक्टर के अंडर उनमें कंट्रोल दिल्ली का आएगा। मतलब देखिए, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो सर्विसेज सेक्टर में ट्रांसफर होती है या फिर अपॉइंटमेंट होती है एम्प्लॉयज की, तो वो दिल्ली को नहीं दी जा रही है किसके अंडर, इस न्यू ऑर्डिनेंस के अंडर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी ये चीज पहले ही, ये चीज वर्डिक्ट में आ चुकी है, डिसीजन दे दिया है कि सर्विसेज सेक्टर के अंडर पूरा का पूरा कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का है। लेकिन ऑर्डिनेंस बोलता है कि नहीं, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हमेशा साथ में रखना है, पूरा कंट्रोल नहीं है। बट एक तरह से ओवरऑल तीन चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीन चीजों को छोड़ के पूरा का पूरा कंट्रोल सर्विसेज सेक्टर पे किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, ठीक है। कि कैसे कोई ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी ट्रांसफर कैसे होगी, विजिलेंस कैसे हैंडल करेंगे, ये सब कुछ, ठीक है ना। दूसरा वर्डिक्ट ये दिया था, मतलब इसी के अंडर, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है हर एक यूटी का, तो यहां पे उसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं दिल्ली के केस में, तो उनको पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एड एंड एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा इन रिलेशन टू मैटर्स विद इन द लेजिस्लेटिव स्कोप ऑफ एनसीटीडी। तो लेजिस्लेटिव स्कोप होता है कानून बनाने की जो क्षमता है, जिन टॉपिक्स पे, जिन सब्जेक्ट्स पे, उसके ऊपर उन्हें एड एंड एडवाइस पे काम करना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो आपको वर्डिक्ट समझ आ गया कि मेन यहां पे बात हो रही है कि जो इम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनकी ट्रांसफर है, विजिलेंस है, कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही है, उसका कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही है, दिल्ली गवर्नमेंट खुद से लॉ बनाएगा, फिर उन ऑफिसर्स को ऑर्डर देगा कि आपने इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन ऑर्डिनेंस बोलता है कि नहीं,
उनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, सब कुछ हम हैंडल करेंगे। ऑडियंस क्या बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ा है। अब आगे चल के थोड़ा सा इस आर्टिकल को देख लेते हैं जो कि स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को। तो देखिए आर्टिकल 239AA ये इंसर्ट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1991 में, जिसके थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? एस बालकृष्णन कमेटी पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उनकी रिकमेंडेशन पे। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि जो एनसीटी है दिल्ली की, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, इनका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है ना। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरी पावर है कि वो लॉज बना सकती है वो उन मैटर्स पे, चाहे वो स्टेट लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है। देखिए एक तरह से दिल्ली जो है हमारा स्टेट ही है, बट हमारी कैपिटल भी है और यूटी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी सेंट्रल लेवल के ऑफिसेज हैं वो सारे दिल्ली में है। तो ऑब्वियसली स्टेट तो नहीं बन सकते, लेकिन स्टेट जैसी पावर्स है, जैसे स्टेट के पास क्या होता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है ना, वैसा ही इनको दिया गया है अंडर द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 239AA कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की वो लॉ बना सकती है, चाहे स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में हो, एक्सेप्ट थ्री थिंग्स जो कि यहां पे लिखी है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपने साथ साथ में याद रखनी है, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट ये है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतलब एक बोल रहा है कुछ और दूसरा बोल रहा है कुछ और, कौन है ये दो लोग, एक है लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक है उनके मिनिस्टर्स, तो उस केस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मैटर आगे जो है देंगे कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट को, फिर वो देखेंगे आगे क्या करना है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ लिया, हमने 239AA आर्टिकल जिसने स्पेशल स्टेटस दिया है दिल्ली को वो पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनेंस बात क्या कर रहा है, इस ऑर्डिनेंस पे इतना चर्चा में है, इतनी न्यूज में है, आपने देखा होगा अगर न्यूज़पेपर आपने घर पे लगाया या फिर टीवी में अगर आपके पेरेंट्स न्यूज देखते हैं तो साथ में बैठते हैं ना बच्चे देखने, तो अगर आपने देखा होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से टच में रहना तो आपका बनता है। नाउ न्यूज क्या है, ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी। न्यूज ये है कि ऑर्डिनेंस जो अभी आया है इसने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसे नलीफाई कर दिया, एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसे बोल रहे हैं दिल्ली के जो सीएम है वो, अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज में जाके उनका सपोर्ट ले रहे हैं ताकि वो इस चीज के अगेंस्ट बोल सकें, वो इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस ने क्या किया है, दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो भी पावर थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर वो वापस खींच लिए ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस आया है उसने। सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी पूरी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है ओवर सर्विसेज सब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकिन ऑर्डिनेंस ने वो पावर छीन ली है। अब वो पावर कैसे छीनी है चलिए वो देखते हैं। अब यहां पे हम मेन चीज है जो इस टॉपिक की वो डिस्कस करेंगे, विच आर द की हाइलाइट्स ऑफ ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस बोलता क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 239AA याद करने वाला है, वर्डिक्ट याद करने वाला है, एंड पावर टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज। ये ऑर्डिनेंस बोलता है कि सर्विसेज जो हमारी एंट्री है, सर्विसेज जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें किस किस के ऊपर पावर बना सकता है दिल्ली गवर्नमेंट, किसके ऊपर नहीं बना सकता है। तो ऑर्डिनेंस इस चीज को क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है It will not have the power to legislate on the subjects of services which comes under the state list. स्टेट लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट आता है सर्विसेज, उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता है। लेकिन यहां पे आर्टिकल 239AA ने क्या बोला था कि चाहे आपके स्टेट लिस्ट में वो चीज है, कोई सब्जेक्ट है, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में है, उस पर लॉ दिल्ली गवर्नमेंट बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वर्डिक्ट दिया था कि आप लॉ बना सकते हो एक्सेप्ट थ्री थिंग्स, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस ने साफ साफ बोल दिया कि जो स्टेट लिस्ट के अंडर सर्विसेज सब्जेक्ट आता है आप इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। सर्विसेज में मैटर्स कैसे आते हैं, अपॉइंटमेंट्स है, ट्रांसफर्स है एम्प्लॉयज की दिल्ली गवर्नमेंट की जो है, विजिलेंस के मैटर्स हैं, तो इनको आप नहीं हैंडल कर सकते हो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के आराम से हैंडल करेगा। अब इसी के लिए एक और अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, NCCSA। अब देखिए इस ऑर्डिनेंस के अंडर एक न्यू स्टेचुटरी अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जो क्या करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड करेगा, ठीक है ना। ये अथॉरिटी में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, तो वो अथॉरिटी के मेंबर्स क्या करेंगे, जो भी चेयरमैन, वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, रिगार्डिंग वॉट, रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स, ठीक है। अब इस NCCSA में होंगे कौन कौन, सीएम होंगे दिल्ली के और वही होंगे चेयरपर्सन। अब सोचने वाली बात है कि दिल्ली के सीएम ही इसके चेयरपर्सन होंगे, वही पूरा ऑर्डर देंगे पोस्टिंग विजिलेंस के लिए, तो वो इतना हवा क्यों मचा रहे हैं, इतना मतलब बहुत बड़ा इशू बन गया है कि वो इस चीज के सपोर्ट में नहीं, तो ऐसा क्यों है, चेयरपर्सन तो वही है, सब कुछ तो वही हैंडल करेंगे। देखिए
यहाँ पे इशू आ रहा है कि एक मेंबर है हमारे जो दिल्ली के सीएम है, जो बाकी के दो मेंबर्स हैं चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो है होम डिपार्टमेंट के यानी यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर कभी भी कोई ऐसी चीज होती है तो इसमें तीन में से दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि सर्विसेज के ऊपर आपने लॉ नहीं बनाने हैं, तो अकेला चेयरपर्सन क्या कर सकता है, ठीक है ना। नाउ जितने भी मैटर्स हैं जो NCCSA के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे वो मेजॉरिटी के साथ डिसाइड किए जाएंगे, तो तीन में से दो तो हमेशा ही एक साइड होंगे, है ना, ये तो अलग ही रहेंगे, ठीक है जी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ लिया कि अपॉइंट करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, तो फिर अब मेजॉरिटी किसके पास चली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए दिल्ली के सीएम चाह रहे हैं कि इस चीज को खत्म किया जाए, ये गलत है, ठीक है ना। नाउ पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमने क्या पढ़ा, देखिए ऊपर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो NCCSA है, जो न्यू अथॉरिटी बनी है, ये रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी रोल था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है। उन्हें पावर दी गई कि वो अप्रूव करें, या तो अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस को अप्रूव कर दें या उनको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, ठीक है ना। और अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप समझते हैं ना, कि अगर अथॉरिटी कुछ और बोल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और बोल रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड द अथॉरिटी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये तो बिल्कुल आपका स्टैटिक पार्ट आ गया, या आप लक्ष्मीकांत की बुक से या जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहां से देख सकते हैं, बेशक मैं भी डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मैंने काफी बार आपको पढ़ाया है पॉलिटी में, तो हमने इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा था। अब मैं आपको एम लक्ष्मीकांत सर की बुक के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसा जैसा वहां पे है वैसा वैसा पढ़ेंगे। बट फिलहाल ऑर्डिनेंस से रिलेटेड तीन ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो हमें पता होने की जरूरत है, कहीं भी आता है तो इस तरह के केसेस मेंशन करना बहुत अच्छा रहता है ना। नाउ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड तीन हमारे एक तरह से कोर्ट्स के डिसीजन है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे पहला है RC कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970। इसके अंडर कोर्ट ने यह कहा है कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, कि प्रेसिडेंट ने एकदम से, देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, राइट। प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर के पास है अंडर आर्टिकल 213, ठीक है ना। तो अब ये हमारा केस ऐसा बोलता है कि कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, प्रेसिडेंट के डिसीजन पे क्वेश्चन उठा सकता है कि क्या जरूरत थी, कि जब इमीडिएट एक्शन के लेने की आपको क्या जरूरत थी जब वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। देखिए ऑर्डिनेंस कब बनता है, पहले आप इसे समझिए अगर आपको नहीं पता। अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है ना, या रिसेस चल रही है, तो उस टाइम पे कोई इमरजेंसी आ गई, उस टाइम पे लॉ बनाने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ऐसी पावर है कि वो एकदम से लॉ बना सकते हैं। अब देखिए रिसेस में है तो उन सबको बुलाएंगे, मीटिंग हो, इतना टाइम नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रेसिडेंट जो है अपनी सूझबूझ के हिसाब से लॉ बना सकता है, ठीक है। बाद का प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है, जब इमरजेंसी सीज हो गई या हमारी जो वो सिचुएशन है वो खत्म हो गई, तो उसके बाद उस लॉ का क्या होता है वो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि इसके अंडर कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों बनाया जब इमीडिएट एक्शन की जरूरत ही नहीं थी। ऑर्डिनेंस तो बनना ही तभी है जब आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, जब इमरजेंसी लाइक कोई सिचुएशन आ गई, कोई नेसेसिटी आ गई उस केस में, ठीक है ना। एंड द ऑर्डिनेंस हैड बीन पास्ड प्राइमरी टू बाईपास द डिबेट। यस, कि जो लेजिस्लेचर है वहां पे, देखिए कोई भी लॉ कैसे बनता है या एक्ट कैसे आता है, पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। हमने पढ़ा ना कि 3 रीडिंग्स होती हैं सब कुछ पॉलिटी में, तो अब बहुत डिस्कशन होती है, उसके बाद वो चीज जो है लॉ बनकर आती है। लेकिन यहां पे बाईपास करना मतलब ऊपर ऊपर से लॉ बना देना है, नहीं चाहते वो कि लेजिस्लेचर आके उस पर डिस्कस करे, तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, कोई नेसेसिटी नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो उस केस में उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है। सेकेंड आता है DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इनको आपने हाईलाइट करना है, मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर मैंने इसको सिर्फ पढ़ा है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ये जो करंट अफेयर है उसके। लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ये तीन चीजें आपने कहीं पे या फिर अपनी बुक में, जो आपकी लक्ष्मीकांत सर की बुक है जहां से आपने पढ़ना है, वहां पे इनको लिख लें, ठीक है ना। नाउ सेकंड हमारा आता है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है, देखिए ऑफ एग्जेक्टिव, हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं, इस चीज को आप समझिए। एक होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉ मेकिंग का काम करता है, कानून बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो क्या करता है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाता है। हाँ जी ये लॉ बन के आ गया, अब ऑर्डर देगा कि सारे ऑफिसर्स को आपने ऐसा ऐसा करना है, चेक करेगा ग्रास रूट लेवल पे वो चीज इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। तीसरा होता है जुडिशियरी ऑर्गन आपका, वो क्या करता है, चेक करते हैं कि चीजें सही से हो रही है या नहीं। जुडिशियल काम तो आप समझते हैं, है ना,
नाउ अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और जो लेजिस्लेटिव पावर है ये होती है आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास. लेकिन यहाँ पे लॉ कौन बना रहा है, प्रेसिडेंट बना रहा है, तो एक तरह से वो लेजिस्लेटिव पावर को इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव अपने पास ले लेता है, ठीक है ना. तो वो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की क्षमता जब प्रेसिडेंट ले रहा है, जब एग्जीक्यूटिव ले रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, नेसेसिटी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसी में यूज होगी, ऐसे बिना मतलब से यूज नहीं करना है. इसको एक लॉ मेकिंग पार्ट ना समझें एंड नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग पार्ट आप इसे ना समझें, ठीक है ना. ये आपको सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में यूज करना है. इसने क्या बोला कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत ही नहीं थी, आपने ऑर्डिनेंस क्यों बनाया, क्वेश्चन कर सकते हैं. इसमें क्या है कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की जरूरत है तभी बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है, ठीक है. थर्ड आता है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1994. तो इसमें कोर्ट ने कहा है दैट कोर्ट हेल्ड दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 व्हाइल इशूइंग एन ऑर्डिनेंस इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. तो पहले तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये जान लेते हैं. देखिए कोई भी लॉ आपका बन गया, ठीक है, लेकिन आम जनता उससे खुश नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है. और ये किसी एक जगह किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं है, पूरे इंडिया में हर एक इंसान ये सोचता है कि जो लॉ बना ये सही नहीं है. लेकिन क्या उसमें हम कुछ कर सकते हैं, पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया है, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, एटमोस्ट हम सरकार चुनते हैं, कौन हमारा एमपी होगा लोकसभा में या एमएलए होगा वो चुनते हैं, राज्यसभा के हैं और जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं इनके तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, जब 5 साल उनके पूरे हो जाएंगे तभी उन्हें हटा सकते हैं, जो दूसरी हम सरकार ले आएंगे, इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते उस लॉ के ऊपर. दंगे फसाद कर देंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना. अपने आम जनता, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, इन्हीं के कार वगैरह फोड़ के वो नुकसान होता है और कोई इसकी आउटकम नहीं रहती है. अब देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इस केस में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई है कि आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आम जनता बोल रही है कि ये चीज गलत हुई है तो आप उस चीज को रिव्यू करें, आप उस केस की स्टडी करें कि जो चीज हुई है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो सही है या जो आम जनता बोल रही है वो सही है. अगर पार्लियामेंट के द्वारा इस केस में बनाया गया लॉ गलत है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. यही जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां पे आ गई. प्रेसिडेंट को लग रहा है अंडर आर्टिकल 123 या फिर गवर्नर को लग रहा है अंडर आर्टिकल 213, दोनों के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि हमने जो ऑर्डिनेंस बनाया बिल्कुल सही है, ठीक है ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फाइड है, मतलब उन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाया, वो सेटिस्फाइड है कि हमने तो सही बनाया, हमने तो एक्सेप्शनल ऑर्डिनेंस बनाया, हमने तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में बनाया. लेकिन अगर आम जनता कहती है कि ये चीज गलत है तो वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचेंगे, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है स्टडी करेंगे क्या ये चीज सही है या गलत है. तो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है वो, बच नहीं सकते वो, ठीक है ना. अब देखिए ये थी वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पढ़नी ही पढ़नी थी. अब हमारा बिल्कुल स्टैटिक एंड बिल्कुल सिंपल पार्ट आ गया, ये आई नो थोड़ा सा सोचने वाला दिमाग लगाने वाला पार्ट है. नाउ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इसे हम फटाफट से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है. देखिए वर्ड ऑर्डिनेंस क्या बोलता है, वर्ड ऑर्डिनेंस बोलता है लॉ जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना. इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है थ्रू गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है थ्रू प्रेसिडेंट. लेकिन ऑर्डिनेंस वो लॉज होते हैं जो लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बिना बनाए जाते हैं. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रहा है तो मतलब प्रेसिडेंट लॉ बना रहा है तो वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को नहीं कंसीडर करेगा उस टाइम पे, क्योंकि या तो वो रिसेस में है या फिर सेशन नहीं बैठा है. स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कौन, इनके बिहाफ पे कौन लॉ बना रहे हैं, गवर्नर बना रहे, ठीक है. तो उस टाइम पे जो हमारी विधानसभा है या विधान परिषद है वो नहीं बैठी है, रिसेस में है, सेशन नहीं है. तो बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल के जब लॉ बनता है दैट लॉ इज डिफाइंड एज द ऑर्डिनेंस, ठीक है ना. इसके अंडर पावर टू प्रोमिलगेट, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एकदम से नहीं आई कहीं से उठ के, हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट में है 1861 में, और ये यहां पे गलत दिया है. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 3 है आपके पास, 1858, 1919 एंड 1935. ये जो 1909 है ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है. तो अब आप देख लेना किसमें क्या करना है. ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, सबसे पहले इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आई थी, उसके बाद उसे एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनेंस बनाने की पावर आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट को दी गई है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 213, ये दोनों याद कर लेने हैं, ठीक है. मुझे पहले से पता है तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बट अगर आपके लिए कोई नई चीज है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है उसके अलावा तो उसे आप जरूर हाईलाइट करें, ठीक है, क्योंकि इसके नोट्स तो हमें बनाने नहीं है. तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट करते चलें, बार बार आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते, है ना. एक बार कंसेप्ट समझ लें, थोड़ा सोच विचार करें, फिर वो दिमाग में रह जाती है चीज. नाउ
213 आर्टिकल के अंडर पावर दी गई है गवर्नर को कि वो ऑर्डिनेंस बना सकती हैं ड्यूरिंग द रिसेंस ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए इसी तरह से लाइन बाय लाइन में आपको विजन आईएएस का पूरा जो मैगजीन है वो कवर करवाऊंगी। अगर पूरा नहीं हो पाए तो स्पेशली जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहते हैं वो कवर करवा दूंगी। बाकी एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी है, एथिक्स है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोशिश रहेगी हर एक सेक्शन कवर करवाऊं, बट उसके लिए आप वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद आए तो साथ में फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दी। हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में, थोड़ी सी स्टैटिक पार्ट। नाउ ये जो ऑर्डिनेंसेस बनते हैं ना, सेम उसी तरह से फोर्स में आते हैं, सेम उसी तरह से एक्ट करते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई एक्ट है, ठीक उसी तरह से रहते हैं। बट ये होते हैं टेम्पररी इन नेचर। जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, कानून बनाता है, तो वो परमानेंट होते हैं नेचर में। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है बनते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए ही होते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रहता है, मैंने कहा नलीफाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कितने टाइम के बाद नलीफाई हो जाते हैं? तो देखिए जैसे ही कोई सेशन बैठता है, या फिर मान लीजिए लोकसभा का या राज्यसभा का जो भी सेशन बैठा, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको प्रॉपर अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, तो वो आगे कंटिन्यू रहते हैं, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाते हैं। या फिर ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने क्या किया कि ऑर्डिनेंस बनाया, कुछ टाइम तक इंप्लीमेंट किया, उसके बाद खुद से ही उसको डिसअप्रूव कर दिया, तो वो उस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर अब देखिए ऑर्डिनेंस कौन से सब्जेक्ट्स पे बनाए जा सकते हैं, 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी जो प्रेसिडेंट है ना, वो सिर्फ यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। गवर्नर जो होता है वो जो स्टेट लिस्ट में टॉपिक सब्जेक्ट्स होती हैं उनके ऊपर लॉ या ऑर्डिनेंस बना सकता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है दोनों की। नाउ हाउएवर जो गवर्नर होता है ना स्टेट का, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि वो ऑर्डिनेंस बना रहा है तो कुछ ऐसी चीजें जिनमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, प्रेसिडेंट की हामी चाहिए होती है, उन केसेस में वो डायरेक्ट लॉ नहीं बना सकता, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। देखिए कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल दिलाना होता है, उसके बाद ही उनको असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे किसी टॉपिक पे अगर गवर्नर को ऑर्डिनेंस बनाना है तो पहले उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा, तभी वो ऑर्डिनेंस बना पाएगा, ठीक है ना। If गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी, अगर गवर्नर को जरूरी लगे, नॉर्मल बिल में क्या होता है, गवर्नर को जरूरी लग रहा है कि पहले प्रेसिडेंट से बात हो जाए इसको कंसिडर करने से पहले, तो ऐसा अगर कोई लॉ आता है, कोई सब्जेक्ट आता है जिसके ऊपर अब गवर्नर को ऑर्डिनेंस बनाना है, तो उसके लिए भी उसको सेम करना पड़ेगा। मतलब बिल के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बिल के लिए, बिल पास करवाने से पहले हमें प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है, तो सेम उन्हीं केसेस में ऑर्डिनेंस बनाने से पहले भी गवर्नर को प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है, ठीक है। If an act of state legislature containing same provisions would have been invalid without receiving president's assent, कोई एक act है legislature का, अगर उसको president का assent नहीं मिलता है तो वो invalid हो जाता है। ऐसे किसी topic पे अगर ordinance बनाना है तब भी उसको president's assent लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत depth वाली बातें लिखी हैं, अगर आपने नहीं लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी है तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकती है चीज, बट हाँ इसको आप स्किप कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अच्छे से पढ़ लेंगे ना उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। बट छोड़ना नहीं है कुछ भी, आप करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहें और लक्ष्मीकांत सर की बुक भी साथ में पढ़ते रहें, ठीक है ना। अब कंक्लूजन क्या आता है, देखिए इस पूरे से हम ये चीज समझते हैं कि जो आर्टिकल 123 है और आर्टिकल 213 है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, एक में प्रेसिडेंट के पास, एक में गवर्नर के पास, तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन को तो डिफाइन ही नहीं किया है कि इमरजेंसी सिचुएशन होती क्या है, नेसेसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत है, अदरवाइज मिसयूज इसका होगा, है ना, मिसयूज होगा। एंड प्लस वेट, हमारा एक टॉपिक यहां पे छूट गया जो कि था इश्यूज एसोसिएटेड विद ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, बहुत अच्छे ये वर्ड्स हैं, आप कहीं भी इसको राइटिंग में यूज कर सकते हो, जैसे कि ओवर यूज है। अब लॉज बना रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, लेकिन इसका ओवर यूज होता हुआ हमने कई बार देखा है, ठीक है ना, ओवर यूज होता हुआ देखा है, क्योंकि वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, लॉ बना देते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन डिफाइंड ही नहीं है क्या है, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, सिर्फ लॉज जो बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ये जो लॉ बनाने की पावर है किसके पास होती है, लेजिस्लेटिव जो हमारा विंग होता है उसके पास होती है। तो जब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट है, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, तो जब ये लॉज बना रहे हैं तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मिक्स हो जाए ना, पावर्स तो ऑलरेडी स्पेसिफाई की हुई है, सेपरेट की हुई है, लेकिन वो यहां पे मिक्स हो रही है, जिसने इंप्लीमेंट करवाना था लॉ अब वो लॉ बना रहे हैं,
ठीक है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी वही चीज है, इमरजेंसी सिचुएशन डिफाइन ही नहीं की है कि कौन से ग्राउंड्स पे आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कौन से ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, लॉज मेड बाय ऑर्डिनेंस बाईपास द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड दस हैम्पर्स द बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है? लॉ बनाना है। लेकिन यहां पे जो लॉ बन रहा है ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो बाईपास कर रहे हैं लेजिस्लेशन। क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, ये चीज सही है गलत है, बहुत उस पर वाद विवाद होता है, उसके बाद वो कानून बनता है। तो अब ऑर्डिनेंस के थ्रू तो कोई वाद विवाद नहीं हो रहे है ना, तो अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखिए, प्रेसिडेंट ने लॉ ऑर्डिनेंस बनाया, प्रेसिडेंट कभी सेशन में बैठेगा? नहीं बैठेगा, ठीक है ना, तो कौन क्वेश्चन करेगा उनसे? पारदर्शिता नहीं है। फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज बीन एक्टेड एज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑर्डिनेंस बना रहे हैं जी, तो ये हमेशा एक विवाद का इशू रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है ना। हमने कंक्लूजन भी पढ़ लिया है कि जो टॉपिक्स हैं वो डिफाइन नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, इसका इसी वजह से मिसयूज होता है। प्लस ऑल्सो एग्जीक्यूटिव शुड एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड यूज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्पेयरिंगली एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो उनको इस चीज से दूर ही रहना चाहिए, ऑडियंस मेकिंग से दूर ही रहना चाहिए जब तक जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी वो चीज अलग चीज है, ठीक है। तो जब तक जरूरत ना हो, सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद पे कंट्रोल रखें, उससे दूर रहें, और बहुत स्पेयरिंगली मतलब बहुत मुसीबत के टाइम पे, जरूरत के समय में ही उसे यूज करना है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का जो ये टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जिसके बारे में काफी अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया। अब आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023, यानी कि जो जेल होती है, प्रिजन होती है, उससे रिलेटेड एक एक्ट सामने आया है, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था रिसेंटली? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 को प्रिपेयर किया है, जो कि रिप्लेस करेगा प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से भी कितने टाइम पहले ये एक्ट आया था। तो उस टाइम से अभी तक वही प्रोविजंस, वही रूल्स चलते आ रहे हैं, जो कि अब 2023 में न्यू एक्ट के अंडर जो है मॉडिफाई होंगे, ठीक है। नाउ, ये जो प्रिजन एक्ट है 1894 का, ये क्या बोलता था, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जब लेजिस्लेशन आया, जिसके अंडर जो भी जेल है इंडिया में, प्रिजन्स हैं, उनका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न किया जाता था, वो था हमारा पहला एक्ट, प्रिजन एक्ट 1894, ठीक है ना। इस एक्ट के ओरिजिन कहाँ पे हैं? तो एक कमेटी बनी थी, प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी, 1836 में बनी थी लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा। तो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उनके रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट बना था। थर्ड आता है कि इस एक्ट के अंडर प्रिजन को कैसे डिफाइन किया गया था। सो एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्परेली फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडरी जेल्स। कोई भी ऐसी जगह जहां पे जो कैदी होते हैं उनको डिटेन किया जाता है, या तो परमानेंट बेसिस पे या टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, तो उसे हम जेल कहते हैं। लेकिन इसमें कोई पुलिस की कस्टडी में है या किसी को सब्सिडरी जेल में रखा गया है, वो नहीं आते हैं, ठीक है। इस एक्ट में प्रोविजंस थे कि एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब कोई अपॉर्चुनिटी है कैदियों के लिए, उससे रिलेटेड उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड, एंड कितने विजिट कौन कर सकता है, इससे रिलेटेड भी प्रोविजंस 1894 के एक्ट में थे। अभी हम 1894 एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने अभी जाके थोड़ा ये चीज नोटिस की कि इस एक्ट में काफी ज्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है, और नोटिस किया कि एक जो करेक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है ना, उस चीज पे फोकस नहीं है। देखिए, 1894 में ये एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे ये एक्ट आया था, तो ब्रिटिशर्स का मेन काम क्या था? इंडियंस को दबा के रखना, ठीक है ना। तो उस टाइम जो एक्ट आया था कैदियों के लिए, ऑब्वियसली उनको सुधारने का काम नहीं होता था जेल में, उनको दबा के रखना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, खाने पीने को ना देना, तो गलत चीजें उनके साथ होती थी, ठीक है ना। तो अब जो हमें एक्ट आएगा, जो हम नया एक्ट पढ़ेंगे 2023 का, मॉडल प्रिजन एक्ट, इसमें करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं कि कैसे जो है उनका व्यवहार को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, गुड कंडक्ट का बिहेवियर उनके अंडर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। नाउ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, वो क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर जेल में है, ठीक है ना, तो उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, एंड दिस इंक्लूड्स इनकार्सरेटेड प्रिजनर्स एज वेल एज अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स का मतलब है कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है लेकिन वो फाइनल दोषी करार नहीं हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहा है, केस कब तक चलेगा क्या पता, है ना। तो आपको पता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम हमारा कितना स्लो है ना। तो अब अगर कोई अंडर ट्रायल है, ठीक है, उसके पास भी राइट टू वोट नहीं है, प्लस
इनकार्सरेटेड प्रिजनर्स, ऐसे इनकार्सरेटेड होता है कि किसी पर्सन के सारे राइट्स आपने ले लिए हैं और उसे किसी जगह पे डिटेन कर दिया, मतलब ये भी कैदी होते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास भी वो राइट्स नहीं है। कौन से? राइट टू वोट। नेक्स्ट आता है कि जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि जो आपका प्रिजन सेक्ट है 1894 का, इसे आप चेक करें, इसमें लॉज जो हैं उन्हें स्टडी करें और एक नया ड्राफ्ट बनाएं जिसमें जो है नई नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे मॉडल एक्ट आया है 2023 का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रिजन्स हैं एंड जो पर्सन्स हैं डिटेन देयर इन, मतलब जो जेल है और वहाँ पे जो कैदी हैं, वो आते हैं स्टेट लिस्ट के अंडर। तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जब हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था दिल्ली में जो हुआ था ना ऑर्डिनेंस पास, वो पढ़ा था हमने सर्विसेज से रिलेटेड, वहाँ भी हमने लिस्ट का जिक्र पढ़ा था, यहाँ भी हम लिस्ट का जिक्र पढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि सर्विसेज जो है वो भी स्टेट लिस्ट में आता है, जो प्रिजन्स हैं, जो पर्सन्स हैं डिटेन देयर इन, वो भी स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें आपके एडअप हो रही हैं नॉलेज में, राइट। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, अब क्योंकि स्टेट लिस्ट में आती है जेल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इन्हें मैनेज करने की, एडमिनिस्टर करने की आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब जो भी प्रोविजंस, कानून, लॉज, नियम बनाने हैं जेल से रिलेटेड, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब जो ये मॉडल एक्ट आया है हमारा 2023 का, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या प्रपोजल्स उसके अंडर है वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो एक्ट आया है, ये एक रेफरेंस मटेरियल, ये एक एज ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट रहेगा स्टेट्स के लिए, ठीक है, ताकि अगर वो इसको अडॉप्ट करते हैं, अगर क्या अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, जब वो इसको अडॉप्ट करते हैं अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में, तो काफी बेनिफिट वो उनको देगा, ठीक है। तो नई चीज क्या, सिंपल सी पता चली, प्रिजन्स स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। नहीं आपने पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ा है तो यहां से आपको इतना तो पता चल ही गया। अब हम आगे चल के पहले ये देख लेते हैं दैट व्हाट प्रपोजल्स आर इंक्लूडेड अंडर मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। ये जो 2023 का एक्ट आया है मॉडल प्रिजन्स एक्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। तो पहला है टू एनकरेज गुड कंडक्ट, जो कैदी हैं उनका व्यवहार सुधारना है, ठीक है ना। अब व्यवहार सुधारना है तो उसके लिए क्या क्या होगा, उसके अंडर प्रोविजंस आए हैं फॉर द ग्रांट ऑफ परोल, फरलॉ एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स। प्रिजनर्स को तीन चीजें दी जाएंगी, परोल, फरलॉ और इसे कहते हैं बेल। क्या है थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। परोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, देखिए कोई जेल में है, कैदी है, गुनाह उसका कबूल हो गया, प्रॉपर कैदी बन गया है, गिल्टी है, तो परोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उसको कंडीशनल रिलीज किया जाएगा जेल से। मतलब उसकी बेटी की शादी है, उसके फादर को कुछ बड़ी बीमारी हो गई है या कोई मिसहैपनिंग हो गई, कुछ भी इशू है, ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्म में उसे जेल से बाहर भेजा जाएगा विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसकी सजा वहीं से शुरू होगी जहां से उसने छोड़ी थी। मान लीजिए 40 दिन की सजा उसकी हो गई है, या 40 दिन नहीं, ऐसा बोलते हैं हम कि 3 साल की उसकी सजा हो गई है, और 3 साल 1 दिन होना था लेकिन उसे परोल मिल गया, तो वो कंडीशनल रिलीज पे चला गया है बाहर। तो जब वो आएगा, मान लीजिए वो 10 दिन के बाद आता है, तो जो 11वां दिन होगा उसे 3 साल पहला दिन माना जाएगा 3 साल के बाद, समझ रहे ना। तो जो बीच का जो छुट्टी वाला पीरियड है, छुट्टी वाला नहीं कहेंगे, जो कंडीशनल रिलीज है, उसे उसकी सजा में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये जस्ट ये राइट नहीं है प्रिजनर्स का, उनको मिल भी सकता है परोल, नहीं भी मिल सकता है, वो जस्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि मुझे ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, मुझे परोल मिलना चाहिए। अब मिलता है नहीं मिलता है वो फिर अलग बात है, ये राइट नहीं है, इट इज नॉट अ राइट टू प्रिजनर्स। सेकेंड आता है फर्लो। क्या होता है फर्लो, सिर्फ उसी केस में दिया जाता है जब किसी आदमी या किसी कैदी की बहुत लंबी सजा है, ठीक है ना। नाउ ये जो पीरियड होता है फर्लो का, है ना, ये जो पीरियड होता है, ये ग्रांट किया जाता है एज ए रेमिशन और रिडक्शन ऑफ ही सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल मैं डेज में एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 10 दिन उसकी सजा हुई है, अब 11वें दिन वो चला गया बाहर, और वो फिर 21वें दिन आया, तो 21वां दिन उसका 11th डे कंसिडर नहीं होगा, उसका वो 21st डे ही काउंट होगा। जो उसकी सजा है ना बीच में, जो उसने छोड़ के गया है, वो बाहर गया है, उसको भी एज ए सजा ही काउंट किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, फर्लो क्यों होता है, देखिए लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट है, कोई कैदी जेल में है, कहीं वो पागल ना हो जाए सोच सोच के, है ना, डिप्रेशन में ना चला जाए, वो सोशल बिहेवियर ना भूल जाए। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, समाज में रहता है तभी वो बिहेवियर जानता है, अगर वो समाज में नहीं रहेगा तो वो अपना बिहेवियर भूल जाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक लड़की थी,
न्यूज मैं देखती रहती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे भी काफी चलता है कि वो उसके पेरेंट्स ने उसको कमरे में रखा बिकॉज शी वॉज अडॉप्टेड, क्या था जो भी था, तो अब वो बाहर आकर कैसे रिएक्ट करना है, लोगों से कैसे बात करना है, वो चीज वो नहीं जानती थी। उसे नहीं पता कि पुलिस नाम की कोई चीज होती है, वो पुलिस के पास जाकर अपने पेरेंट्स के बारे में बोल सकती कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे कैद किया, तो ऐसी चीजें उसको पता ही नहीं थी, है ना। तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो उसे समाज में रहना तभी आता है अगर वो समाज में रहता है, ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, है ना। तो कहीं वो आदमी पागल ना हो जाए, कैदी कहीं बिल्कुल साइको ना हो जाए, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको थोड़ा सा फलो दिया जाता है बीच में। फिर आता है बेल। बेल तो सिंपल पता है कि अभी आप अंडर ट्रायल हो, आप पे केस चल रहा है, तो उस टाइम पे आपका बेल का हकीक तरह से ये बनता है, ठीक है। तो अब गुड कंडक्ट के लिए ये चीज़ें आई हैं। फिर है फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, सुधारना है इंसान को। जेल में उसको रखा गया है तो इसलिए नहीं रखना है कि आपने गलती की है, आप कैदी हो, आपको इसलिए उसको जेल में रखना है ताकि जो भी उसने गलती की है उसका बिहेवियर चेंज कर सको, उसे सुधार सको। और ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज टूवर्ड्स प्रिजनर्स, जो कैदियों के लिए जो व्यवहार होता है वहाँ पे जेलर का, वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाए, स्किल डेवलपमेंट किसको, जो जेलर है, कैदी को नहीं, जो उन्हें मैनेज कर रहा है उनको, फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, जो वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, इनके लिए अलग अलग एकोमोडेशन होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग आइडेंटिटीज हैं, तो ये साथ में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि हाई सिक्योरिटी जेल्स लेकर आओ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि ओपन जेल्स होती हैं, सेमी ओपन जेल्स हैं, ये कंसेप्ट आना चाहिए। इससे रिलेटेड मेजर्स जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हम कर सके कोर्ट्स में, वो चीज़ होनी चाहिए, प्रिजनर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें कोर्ट्स में, है ना, इस तरह से। तो देखिए, राजस्थान में ओपन जेल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है, जो कि हम यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल ओपन जेल, सेमी ओपन जेल्स, ये मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं। नाउ अलॉन्ग विद प्रिजन एक्ट 1894, और भी कुछ एक्ट्स हैं जिनको रिव्यू किया गया, और जो भी शॉर्टकमिंग्स उनमें थी वो मॉडल प्रिजन एक्ट, हमारा जो ये मॉडल एक्ट आया है 2023 का, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब देखिए, नीड फॉर रिफॉर्मिंग द एक्ट, अब ये जो एक्ट आया है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत क्या पड़ी, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, बहुत लेंथी अदरवाइज हो जाएगा। नाउ कॉलोनियल हैंगओवर, अब देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था 1894 का एक्ट, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रूल्स लॉज इस तरह से बनाए थे कि जो कैदी हैं उनको दबाया जा सके, उनको तंग किया जा सके जेल में, कोड़े उनको पड़ते थे, ठीक है, 30 तक कोड़े पड़ जाते थे अगर कोई मेल प्रिजनर है। तो इस एक्ट ने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म किया कि कॉलोनियल हैंगओवर नहीं होना चाहिए, तो गलत चीज़ है ना। हम जेल में किसी कैदी को इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम उसे सुधार सकें, सज़ा तो उसको मिल ही रही है जेल में रह के, अपनी फैमिली से अलग रह के सज़ा तो उसको मिल ही रही है ना। तो ये चीज़ थी। फिर आता है टू मेक प्रिजन रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस, अब जेल को ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे उनको सुधारा जा सके, रिफॉर्म सेंटर बनाना है, ठीक है, और सज़ा देने की जगह नहीं बनाना है। फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटीज ऑफ प्रिजनर्स, जो कैदी हैं उनकी लिविंग स्टाइल अच्छा हो, जेल्स को थोड़ा मॉडर्न बनाएं, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे हों, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, वहाँ पे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, लाइब्रेरीज इंक्लूड करें, वहाँ पे थोड़ी सी देशभक्ति की बुक्स रखें, क्योंकि अब टाइम पास करना है कैसे करेगा कैदी, है ना। बेशक सुबह से शाम तक काम करता है, बीच में थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए जाएँ। किलिंग्स एंड वायलेंस विद इन प्रिजन्स, अब जेल में कैदियों को डालते हैं ताकि वो सुधरे, अगर वहाँ भी वो हाथापाई करेंगे तो क्या फ़ायदा ना। तो अब ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, 33 साल के एक इनमेट को जो उसकी राइवल, उसकी दुश्मन गैंग थी, उसने तिहाड़ जेल में मार दिया, तो ये तो गलत चीज़ है ना। इस तरह से आप वहाँ पे गैंग वैंग बना के रहोगे तो कैसे चलेगा, और ऐसे मर्डर्स करोगे तो बिल्कुल गलत चीज़ है। इसी से बचाने के लिए तो आपको वहाँ पे रखा है, और अगर वहाँ पे आपको सरकार सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है तो बहुत गलत चीज़ है। इसके अलावा आता है अदर इश्यूज जो कि प्रिजन से रिलेटेड हैं, हाई अंडर ट्रायल्स। अब देखिए, जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, वो ये बोलता है 2021 का डेटा कि 77% जेल इनमेट्स जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं, जो जेल में रखे गए हैं लोग वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा है कि आपने ऐसा किया है, पर उसके ऊपर केस चल रहा है तो उसे दोषी करार नहीं किया गया है, उसे गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो अभी दोषी बने भी नहीं है उनको भी जेल में डाल दिया गया है, 77% तो ऐसे केसेस हैं। और यही डेटा एक चीज़ और बताता है कि जो 25% कैदी है ना, कैदियों की जो पॉपुलेशन है उसमें से 25% लोग अनपढ़ हैं, तो उनको नहीं पता बेल के लिए कैसे अप्लाई करना है, कोई प्रोसीजर नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजंस, अब NCRB 2021 का जो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा है, उसके हिसाब से जितनी कैपेसिटी जेल्स की है उससे भी ज़्यादा कैदी जेल में है। कैपेसिटी है 4,25,609 की, और कैदी कितने हैं, 5,54,034, तो एक तरह से 1,00,000 ज़्यादा है ना, 1,00,000 से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो
ये चीज़ है कि अब जहाँ पे 100 लोग रहेंगे वहाँ पे 183 लोग रह रहे हैं दिल्ली में। प्रिजन्स इन दिल्ली हैड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 183, ऑलमोस्ट डबल है। जहाँ पे अब देखिए एक बेड पे आप एक सोते हो वहाँ पे दो लोगों को सुला दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा। तो ये चीज़ जेल में हो रही है, दिल्ली की जेल में। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल्स, यही नहीं पता बेल्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, क्या जो कैदी है वो या जो अंडर ट्रायल पर्सन है क्या वो उन मेजर्स के अंडर आता है कि उसे बेल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं है, है ना। वैकेंसीज इन प्रिजन ऑफिशियल्स, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पे 60 से ज्यादा पोजिशंस खाली हैं। किसकी? जो जेलर्स हैं, जो प्रिजन जो सेक्टर है इसमें जॉब्स खाली है ना, पोस्ट खाली है। तो इससे जो लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट पे हैं उन पे बर्डन पड़ जाता है। अब जेल में जाके हाथापाई होती है, मर्डर्स हो जाते हैं, तो पुअर मैनेजमेंट है। अब एक इंसान क्या क्या काम संभालेगा, वो ऑफिशियल वर्क करेगा या अंदर में जाके कैदियों को देखेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि वैकेंसीज हैं प्रिजन ऑफिशियल्स की। फिर आता है अननेचुरल डेथ्स इन प्रिजन्स। अब देखिए सेम डेटा को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रिजन स्टेटिस्टिक्स डेटा है 2021 का, ये यही बोलता है कि 185 अननेचुरल डेथ्स देखने को मिली है 2021 में, जिसमें से 150 सुसाइडल केस हैं, ठीक है ना। सजेशंस टू रिफॉर्म प्रिजन्स, अब क्या ऐसे सजेशंस हैं जिनके थ्रू प्रिजन्स को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन मेन प्रिंसिपल्स बताए हैं कस्टडी या इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड, कि कोई भी इंसान जब जेल में जाता है तो वो नॉन पर्सन नहीं बन जाता, वो इंसान ही रहता है, वो एनिमल नहीं बन जाता है, ठीक है ना। सेकेंडली, कोई पर्सन अगर जेल में गया है तो उसके ह्यूमन राइट्स उससे छीन लिए जाते हैं। हाँ, अपना एरिया उनका विस्तृत होता है कि उसी एरिया में उनको रहना है, जेल के अंदर रहना है, पर उनसे उनके ह्यूमन राइट्स नहीं लिए जाते हैं। थर्डली, कोई इंसान ऑलरेडी सफर कर रहा है, ठीक है ना, उसको जेल में डाला गया है ताकि उसको सजा मिल सके, तो आप उसकी सफरिंग, उसकी सजा और ना बढ़ाएं उसके साथ गलत व्यवहार करके। ये तीन मेन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इन चीजों पे फोकस करें। फिर आता है और क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, इजियर बेल प्रोविजंस। बेल प्रोविजंस हैं तो उनको थोड़ा इजी बनाया जाए, ठीक है ना। अब इजीली अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है तो उसको बेल थोड़ा इजीली मिल सकता है। हाँ, जिसको डेथ पेनल्टी के अलावा कुछ केसेस हैं वहां पे थोड़ा हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जो सेक्शन 436A है CRPC का, इट स्टिपुलेट्स दैट अ पर्सन हैविंग अंडरगॉन डिटेंशन फॉर हाफ एज मच टाइम एज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ओके, अगर किसी की सजा फॉर एग्जाम्पल 10 साल है, वो 5 साल जो है जेल में लगा चुका है, उसका आधा टाइम पूरा हो चुका है, तो उस केस में उसको थोड़े टाइम के लिए बेल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। डेथ पेनल्टी को इसे बिल्कुल साइड में रखा गया है। फिर आता है फास्टर डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस, जो बेल के केसेस हैं फटाफट से उनमें आप आंसर कीजिए ना, फटाफट से उसको आप डिस्पोज कीजिए, खत्म कीजिए, बेल देनी है नहीं देनी है फटाफट से डिसीजन दीजिए, तो उसको टाइम ना लगाएं, उसको फंसा के ना रखें। नेक्स्ट आता है मुल्ला कमेटी। अब देखिए प्रिजन्स का जब भी जिक्र होगा मुल्ला कमेटी का आपने जिक्र करना ही करना है। 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाई थी ऑन जेल रिफॉर्म्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ए एन मुल्ला। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी और बहुत ही खास रिकमेंडेशन उनकी क्या थी, जो बहुत सही चीज मुझे भी लगी, दैट प्रिजन स्टाफ जो है उनको प्रॉपरली ट्रेन करो, ऑर्गेनाइज करो, कैडर्स में डिवाइड करो, ठीक है। मेन चीज क्या थी, ऑल इंडिया सर्विस एड करो, किसके लिए, जेल्स के लिए, जिसका नाम हो इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन रेलवे सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस है, फॉरेस्ट है, तो वैसे ही इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस लेकर आओ। और ये बहुत ही अच्छा मैं मानती हूँ कि 1980s में उन्होंने दी थी रिकमेंडेशन, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट बहुत ही अच्छा ये एक सजेशन था, ठीक है ना। बाकी वही चीज़ है कि रिहैबिलिटेशन पे फोकस करो, जो प्रेस है, पब्लिक है, उनको जेल में अंदर जाने दिया जाए ताकि वहां की जो सिचुएशन है प्रेस उसके थ्रू बाहर लोगों को बताया जा सके कि अंदर क्या चल रहा है, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए। अंडर ट्रायल्स इन जेल्स टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम, ये जो अभी कैदी दोषी करार नहीं हुए, ये दोषी करार नहीं हुए हैं जो अंडर ट्रायल्स में हैं, उनको जेल में कम से कम रखें, ठीक है ना। और उनको जो कन्विक्ट, जो ऑलरेडी दोषी पाए गए हैं उनसे अलग रखें, क्योंकि अंडर ट्रायल से भी दोषी पाए नहीं गए, हो सकता है उन पे गलत इल्जाम लगाओ, ठीक है ना। नाउ सम स्टेप्स टेकन फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। अब कुछ ये तो हमने देखा कि क्या सजेशंस दिए गए, लेकिन स्टेप्स लिए क्या सरकार ने वो देखते हैं। तो पहला है मॉडर्न प्रिजन मैनुअल 2016। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मॉडर्न प्रिजन मैनुअल्स जो है आया, जिसका एम क्या था कि बेसिक यूनिफॉर्मिटी आए इंडिया में। देखिए स्टेट लिस्ट के अंडर ये टॉपिक आता है, यानी जो भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने प्रिजन से रिलेटेड, जो अपने स्टेट में जो प्रिजन है उससे रिलेटेड लॉज बनाती हैं। लेकिन इस मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये था कि बेसिक यूनिफॉर्मिटी आए, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो यूनिफॉर्म हो जाए पूरी कंट्री में। तो हुआ ऐसा कि सिर्फ 11 स्टेट्स एंड यूटीज ने इन टोटल इस मैनुअल को अडॉप्ट किया, बाकियों ने नहीं किया।
लास्ट हमारा पॉइंट रहता है ओपन प्रिजन्स। तो ओपन प्रिजन्स का कंसेप्ट सामने आया, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि प्रिजनर्स जो है अपनी सजा भी काटेंगे लेकिन उन पर सुपरविजन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी जाएगी, उन्हें जो होते ना वो जेल के कमरे होते हैं सलाखों वाले उसके अंडर नहीं रखा जाएगा, ओपनली उनको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन प्रिजन मॉडल जो है राजस्थान में अडॉप्ट किया गया है, बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया गया है और उससे हमें ये आउटकम मिली है कि जो ओपन जेल्स होती हैं, ओपन प्रिजन्स होती हैं, वहां पे 92% लेस स्टाफ चाहिए आपको क्लोज्ड जेल्स के कंपैरिजन में, और मंथली कॉस्ट भी जो है एक प्रिजनर की बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 500 रुपए तक, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इन डिटेल, दोनों को मैंने अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन किया है। आज जो भी रहता है न्यूज इन शॉर्ट्स, जैसे कि विप है आपका, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ई गवर्न स्टेट है, नार्को एनालिसिस टेस्ट है, इसमें ब्रेन मैपिंग आता है, पॉलीग्राफ आता है, तो ये सारे आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से रिवाइज करेंगे ताकि हम कंसेप्ट को समझ सकें कि है क्या, ठीक है ना। 1.3.1 आता है विप, मतलब सबसे पहले विप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए विप का जिक्र कहाँ से आता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, बट पहले ये विप होता क्या है ये आपको कंफ्यूजन ना रहे तो पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, राइट। विप जो है एक रिटन ऑर्डर भी हो सकता है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो विप को हम रिटन ऑर्डर बोलेंगे जब इसको इशू किया जाएगा जो हाउस के या फिर जो पार्टी के मेंबर्स हैं उन्हें, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है पार्टी का एक पर्सन। अब ये ऑर्डर और ये पर्सन करता क्या है, इनका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट पास करवाना है, वहां पे सभी मेंबर्स की प्रेजेंस चाहिए, तो उस टाइम पे जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है ये एक तरह से लेटर इशू कर सकता है या एक रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है जिसमें पार्टी के मेंबर्स को कहा जाएगा कि आपको इस दिन पे आना है, ये एक्ट पास होना है, इसके ऊपर डिस्कशंस होनी है, प्लस वोटिंग होनी है, और वोटिंग फेवर में करनी है उस चीज के, उस बिल के, या अगेंस्ट में करनी है उस बिल के, ये बताता है आपका विप, ठीक है ना। तो एक सर्टेन डायरेक्शन बताता है और हाउस के जितने भी उस पार्टी के, नॉट हाउस के, उस जो हाउस है, जैसे मान लीजिए वहां पे INCB है, BJP भी है हाउस में, तो BJP का अलग विप होगा, INC का अलग विप होगा, हर एक पार्टी का अपना अपना विप होगा। वो विप अपने पार्टी के मेंबर्स को कहेगा कि ये बिल, ये एक्ट पास होना है तो आपको इसके अगेंस्ट में वोटिंग करनी है या फिर इसके फेवर में वोटिंग करनी है। तो ये जो सर्टेन डायरेक्शन है कि हमें बिल के फेवर में जाना है, अगेंस्ट में जाना है, कैसे एक्शन लेना है, वो हमें विप बताता है। अब ये रिटर्न ऑर्डर के फॉर्म में भी पास कर सकता है या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल सबको बता सकता है, ठीक है ना। नाउ ऑल पार्टीज कैन इशू विप टू देयर मेंबर्स, हर एक पार्टी का अपना विप होता है, ठीक है। पार्टीज क्या करती हैं, जो सीनियर मेंबर है हाउस का उसे अपना विप बनाती हैं, जिसे चीफ विप कहती हैं, साथ में जो है उनके कुछ एडिशनल विप्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट आया कहां से, विप आपको समझ में आ गया। नाउ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, देखिए शिवसेना केस आपने सुना ही होगा, ज्यादा आपको नहीं भी पता होगा। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है, इवन थी, है, जो भी कह लीजिए, तो अब इसमें स्प्लिट हुआ है। जैसे INC का स्प्लिट पढ़ा है हमने, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाती हैं, वैसे ही शिवसेना का भी स्प्लिट हुआ है, लेकिन इसमें पार्टीज के नाम दोनों के ही सेम है, पुरानी वाली भी शिवसेना के नाम से है, नई वाली भी शिवसेना के नाम से है। अब इन दोनों के बीच में इश्यूज बहुत चल रहे हैं कि लोगो कौन यूज करेगा, है ना, और CM कौन रहेगा, इस तरह से एक साइड पे उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी साइड पे एकनाथ शिंदे हैं जो कि राइट नाउ CM भी हैं महाराष्ट्र के, तो अब लोगों कौन यूज करेगा, ये सब वहां पे जो है इश्यूज चल रखे हैं। तो ये देखिए एक तरह से स्टेट स्पेसिफिक भी है थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है ना। महाराष्ट्र वाले हैं वो तो भाई देख लो पूरा अच्छे से। नाउ अभी इसी चीज के ऊपर कि अब किसका नाम शिवसेना रहेगा, एक को तो नाम चेंज करना पड़ेगा, दो पार्टी तो शिवसेना के नाम से नहीं रह सकती, है ना। नाउ ये जो शिवसेना केस है महाराष्ट्र का, इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, मतलब नंबर ऑफ जजेस एक पैनल बना के बैठे, उन्होंने डिस्कशन करना है अलग अलग यहाँ पे इश्यूज जो अराइज हो रहे हैं उसके ऊपर। तो इसी में एक रूलिंग ये की गई, मतलब एक चीज डिक्लेयर की गई कि पावर जो होती है विप को अपॉइंट करने की, एक लीडर को अपॉइंट करने की, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, लेजिस्लेचर पार्टी के पास नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी आप समझते हैं राजनीतिक दल है, INC है, BJP है, इस तरह से। लेजिस्लेचर पार्टी होता है वो जो पावर में है, जो रूल बना रही है, ठीक है, जो लॉज बना रही है। लेजिस्लेचर में लेजिस का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, क्योंकि दोनों लॉज बनाती हैं, हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस। तीन विंग्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, क्या क्या होते हैं, हमारा लेजिस्लेचर होता है, हमारा एग्जीक्यूशन होता है, एंड हमारा जुडिशियरी होता है, ठीक है ना। तो उसी में लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम करने वाला।
तो अब ये बताया है कि जो पावर है विप को अपॉइंट करने की वो पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी के पास होती है। ये चीज हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। अब उसके अलावा जो है विप को कौन अपॉइंट करेगा, तो स्पीकर अपॉइंट करता है, कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है, स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल में उसमें इस सबके बारे में दिया है, ये सब यहां पर बताया गया है। अब एक और चीज आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन पे, फ्लोर टेस्ट। तो देखिए फ्लोर टेस्ट भी ये शिवसेना के केस में ही हुआ है। उद्धव ठाकरे, उन्हें बुलाया गया था गवर्नर के द्वारा। होता क्या एक्चुअल में फ्लो टेस्ट में, जो गवर्नर है जब उसको लगता है कि कोई चीज सही नहीं जा रही है तो वो फ्लो टेस्ट के लिए बुलाता है। मतलब वो सीएम को कहता है आप अपने मिनिस्टर्स के साथ यहां पे आइए, फ्लो टेस्ट होगा, मतलब वहां पे वोटिंग टाइप होगी, ठीक है ना। इससे ये पता लगाया जाएगा कि आपके जो मेंबर्स हैं वो आपसे खुश हैं, क्या वो सरकार बनाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो यही फ्लो टेस्ट जो एक्चुअल में शिवसेना पहले थी, जिसके पहले सीएम उद्धव ठाकरे थे, तो उनको बुलाया गया और वो इस फ्लो टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से फिर से सरकार बनी थी, जो भी हुआ था। तो फ्लो टेस्ट आपको पता होना चाहिए, ये कंडक्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ओनली ऑन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव मटेरियल। जब उनको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है जो ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है उसने अपना कॉन्फिडेंस हाउस में लूज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लस ये टॉपिक्स जो है थोड़े थोड़े दिए हैं, तो हम इनको थोड़ा सा मोटा मोटा ही स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारा जो आता है 1.3.2 इज आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या बोलता है, तो इसके अंडर आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डिवोर्स दे सकता है कपल्स को। नॉर्मली डायरेक्टली डिवोर्स नहीं मिलता है, आपको 6 महीने से 18 महीने तक साथ में रहना होता है, एक बार फिर से कोशिश करनी होती है कि आपका रिश्ता संभल सके। आप समझते ना कि इंडियन कल्चर में डिवोर्स नाम की चीज तो है ही नहीं, ये तो इंग्लिश वर्ड है, हमने अच्छे से इसके बारे में एक बार डिस्कस किया था। नाउ अब इंडियन कल्चर में डिवोर्स को एकदम इतना सुप्रीम नहीं मानते, है ना, इतना इजी नहीं है डिवोर्स लेना भी। लेकिन अंडर आर्टिकल 142 अगर सिचुएशन बहुत खराब है तो एकदम से आपको डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्ट कब मिलेगा, इन केसेस वेयर मैरिज हैज इरिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन, मतलब शादी विवाह इस तरह से टूटा है कि उसको फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, और दोनों के बीच में रिश्ते इतने खराब हैं कि फिर से जो है चांसेस नहीं है कि रिश्ता संभल सके, ठीक है ना। अब देखिए 6 महीने से 18 महीने का टाइम क्यों दिया जाता है, कि कोशिश रहती है कि डिवोर्स ना हो, है ना, दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं तो इस टाइम पीरियड के बाद फिर डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है ना। नाउ यहां पे बोला है कि अगर इररिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन, मैरिज इस तरह से टूटी है कि वो फिर से नहीं जुड़ सकती, सिचुएशन पहले जैसी नहीं हो सकती, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा वाद विवाद है, तो उस केस में स्पेशल पावर, स्पेशल आर्टिकल है ये 142, इसके अंडर उन्हें जो है डिवोर्स दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसके अंदर जो टाइम पीरियड है उसको स्किप कर दिया जाता है। नॉर्मली जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जब पहली मोशन आप पास करते हैं दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ, तो आपको 6 से 18 महीने तक वेट करना होता है, साथ में रहना होता है, चीजों को सही करने की कोशिश करनी होती है, उसके बाद सेकेंड मोशन पास होता है, तो काफी लंबा प्रोसीजर है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी साथ में कही है कि जो डिवोर्स लेने की ग्रांट है ना, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट अ डिस्क्रिशन। ऐसा नहीं है कि आपका राइट है, आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरी इसके साथ नहीं बनती है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वैसा नहीं है। इट इज नॉट अ राइट बट अ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस का काम है कि और कोई चांस नहीं बचा है ना। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना कि हाई कोर्ट में जो जजेज हैं, ठीक है ना, उनका जो नंबर ऑफ जजेज है दैट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। इसका मतलब है कि कितने जजेज होंगे वो गवर्नर डिसाइड करेगा, सारी सिचुएशंस को देखते हुए कि काम कोर्ट में ज्यादा है कम है और भी चीजों को देखते हुए, है ना। तो डिस्क्रिशन होता है अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी कॉन्शियस को यूज करके, समझ के, ठीक है, उस तरह से। नाउ आर्टिकल 142 प्रोवाइड करता है कि आपको कंप्लीट जस्टिस करना होगा दो पार्टीज के बीच में उस केस में जब बीच में उनके बीच में कोई रेमेडी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 142 जो है इट इज स्वीपिंग इन नेचर, मतलब एक बार में आता है और एकदम सब कुछ साफ करके चला जाता है, जैसे हम सफाई करते हैं घर पे एकदम सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा करते हैं, तो वैसे ही ये है कि एक रिश्ता बना हुआ था उसको एकदम से स्वीप कर देता है, इट इज टेम्परेरी, है ना, स्वीपिंग इन नेचर। इसके अलावा कुछ यहां पे आप देख सकते हैं कि जजमेंट्स आई हैं, जैसे कि प्रेमचंद गर्ग केस था, तो इसमें आर्टिकल 142 की डिमार्केशन की थी कि कितने इसके एजेस हैं, कितनी इसकी पहुंच है, हर एक केस में कहां तक ये जा सकता है, कितनी इसकी पहुंच है वो बताया गया। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो ये कौन सा केस है, ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, उस कंपनी का नाम है ये, वो 1984 में हुई थी मध्य प्रदेश में, है ना, हम पढ़ते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड वो सब पढ़ते हैं हम स्टैटिक में। नाउ अब वो
उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में आके जजमेंट दी कि अंडर आर्टिकल 142 इसका स्कोप बहुत वाइड है, तो विक्टिम्स को कंपनसेशन देना होगा। इसमें दो पार्टी सिर्फ शादी वाली नहीं थी, इसमें आ गया एक पार्टी आ गए विक्टिम्स, एक पार्टी आ गए ओनर्स, ठीक है। थर्ड आता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 142 की जो पावर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आपने ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 142 की जो पावर है दीज आर सप्लीमेंट्री एंड कुडंट बी यूज्ड टू सप्लांट और ओवरराइड अ सब्सटेंशिव लॉ। देखिए कोई कानून बना है संविधान में, ठीक है, तो आपको उसी के हिसाब से काम करना है, लेकिन कहीं पे अराइज होती है कि सिचुएशन की हमें आर्टिकल 142 यूज करना है, वहीं पे इसे यूज करना है। बाकी हर एक चीज के लिए कानून बना हुआ है हमारे संविधान में, तो उस हिसाब से चलना है। दिस आर्टिकल इज जस्ट सप्लीमेंट्री इन नेचर, ये समझना है। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 142 कि अब ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 142 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। हर एक चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इसका भी वही सिस्टम है। ये कहा गया कि ये स्वीपिंग है इन नेचर, एकदम से आता है और सब कुछ तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, है ना। एम्बिगियस है, अनसर्टेन है, कहाँ पे क्या होना है कुछ नहीं पता। एब्सेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द टर्म ऑफ कंप्लीट जस्टिस। अब ये जो कंप्लीट जस्टिस दो पार्टीज को प्रोवाइड करवाना है, ये कंप्लीट जस्टिस है क्या, ये तो पता ही नहीं है, है ना। एंड वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्राइन, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, लेजिस्लेचर की पावर अलग है, जुडिशियल की पावर अलग है, तो यहाँ पे मिक्स हो रही है पावर्स, ये यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है 1.3.3 डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जो है, दैट इज उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते हो, सुधार ही नहीं सकते हो। देखिए संविधान में कुछ चेंजिंग लानी है तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं और उसमें चेंजिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनको आप सुधार नहीं सकते हो, उसी का पार्ट है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो है जुडिशरी से रिलेटेड वो हाईलाइट किए गए थे। अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हम बोल रहे हैं, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए संविधान में कुछ लॉज बने हुए कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको चकारी नहीं करनी है, आपको मर्डर नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे ऐसे डिविजन होता है, ये सब कुछ चीजें हैं हमारे संविधान में हर एक चीज से रिलेटेड। लेकिन अगर उसका कोई वायलेशन करता है, खंडन करता है, किसी ने मर्डर कर दिया, तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्या करेगी, उसको सजा देगी। तो इस तरह से जो लॉ है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन रखता है अपने एरिया में, ठीक है ना। अब देखिए ये इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो पार्ट 3 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, ये इंश्योर करता है। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है जो इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन, अदर सर्विस कंडीशंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बताता है कि हमारे अलग अलग विंग्स हैं, जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेशन का अलग है, एग्जीक्यूटिव विंग का अलग है, वो सब इसमें आता है, राइट। आगे चले अगर हम, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है। अभी यूनिफॉर्मिटी कहां से आ गई, देखिए लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट। आपको ना यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ को आप स्किप भी कर सकते हो। अब यूनिफॉर्मिटी इन डेजिग्नेशन एंड सर्विस कंडीशंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में किसी पोस्ट में है और उत्तराखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पोस्ट में है, तो उन दोनों को सेम पावर्स मिलेंगी, सेम कंडीशन ऑफ ऑफिस होगा, सब कुछ उनका सेम होगा, डेजिग्नेशन सेम है, सर्विस कंडीशन उनकी सेम होगी, इस तरह से। अब देखिए एक कोर्ट का रिकॉर्ड सामने आया जिसमें सिंगल डे में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने हैंडल किए अराउंड 11 लाख केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कितना काम संभाल रहा है, ये चीज हमें समझनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में। देखिए नेशनल लेवल पे क्या होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये दो तरह का हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये सिविल मैटर्स को हैंडल करता है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो सब कुछ, है ना। इसके अंडर सब ऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है, मुंसिफ्स कोर्ट होता है। दूसरी साइड है क्रिमिनल साइड, मर्डर हो गया जी, क्रिमिनल कोई चीज हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो सेशन जज देखता है स्टेट लेवल पे। फिर क्रिमिनल साइड की हम बात करें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। तो इस तरह के डायग्राम्स आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं, ये आपके काम आ सकते हैं कहीं भी,
ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज रिक्यूजल बाय जजेस। अभी रिक्यूजल होता क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, फिर हम ये सारी कहानी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसका नाम है मोहित, ठीक है, तो उसने कोई क्राइम कर दिया है, कोई मर्डर कर दिया है, मतलब उस पर इल्जाम लगा है, अभी अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रहा है आपका, जिसमें है टोटल 3 जजेस, या कह लीजिए 5 जजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 जजेस हैं। अब अगर इस केस में जो जज नंबर फर्स्ट है वो इस मोहित को पहले से जानता है और उसे पता है कि ये एक अच्छा इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, भेदभाव की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो बाकी के सब कहेंगे कि आप रिक्यूज कर दो, इस पोस्ट को फिलहाल के लिए छोड़ दो, यहाँ पे किसी और को लाया जाएगा, क्योंकि बाइसिंग की सिचुएशन आ रही है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ये इसे बहुत नफरत करता है ना, तो ये इसके अगेंस्ट ही डिसीजन देगा, सबको पता है, तो उस केस में सब कहेंगे कि आप इसे छोड़ दो। या फिर खुद से जज सोचता है, जज नंबर वन, कि मैं तो इसे जानता हूं, बाइसिंग की सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो मैं खुद ही जो है इस केस को छोड़ देता हूं, किसी और जज को यहां पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये होता है रिक्यूजल बाय जजेस, खुद से छोड़ देना क्योंकि आप किसी को जानते हो, भेदभाव या बाइसिंग की सिचुएशन आ सकती है, या फिर जो जजेस हैं साथ वाले वो बोलते हैं कि ये तो इस पर्सन को जानता है जिसके ऊपर आरोप लगा है, तो इसको यहां से हटाओ, ठीक है, तो वो होता है रिक्यूजल। अब देखिए, अब थोड़ा सा बुकिश फॉर्म में देखते हैं यहां पे क्या क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिफ्यूज किया था रिसेंटली कि वो खुद को रिक्यूज नहीं करेंगे, एक प्ली सामने आई थी आईपीएस ऑफिसर की उनकी, तो अब ये न्यूज तो इतनी नहीं रही इसमें, लेकिन ये रिक्यूज वर्ड से फिर पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल बन जाता है। अब रिक्यूजल क्या होता है, जब व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अ जज कैन रिक्यूज और withdraw from a case to prevent the perception of being biased. वो कहीं बायस ना हो जाए, क्योंकि वो जिस पे इल्जाम लगा है उस पर्सन को जानता है, इस बायसिंग, इस भेदभाव को रोकने के लिए, जो कि फिलहाल विक्टिम है, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, जो जज उसे जानता है वो बायसिंग उसके अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स इससे रिलेटेड दो आते हैं, इन्हें आप कहीं भी क्यूट कर सकते हो, जो हाईलाइट किए हैं वर्ड्स इनको आप बेशक एक पेज पे कॉपी पे कहीं पे लिख लीजिए, पूरी इस बुक के 3 या 4 पेजेस बनेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा दैट नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। ये तो ऑब्वियसली बात है, लिखने की क्या जरूरत है, पर देखिए डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है चीजें। कोई भी इंसान जिसने कुछ गलत काम किया है वो अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। दूसरा है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी सीन बट मस्ट ऑल्सो सीम टू बी डन। ऐसा नहीं कि हमने न्याय प्रोवाइड करवा दिया, डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने और हो गया, वो न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए, वो चीजें इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दैट इंडिया में कोई भी रूल्स नहीं है जो रिक्यूजल्स के बारे में बताते हों, ठीक है, और जो डिसीजन है रेक्यू का ये सोलली जो है कॉन्शियस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जज पे डिपेंड करता है। कोई जज है उसको लगता है कि यार इसे तो मैं जानता हूं, भेदभाव हो सकता है, बाइसिंग हो सकती है, तो उसकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि वो उसको छोड़ देगा अपनी पोस्ट को, क्योंकि थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा, वहां पर कोई और जज जो है उस काम को संभालेगा, ठीक है ना। अगर एक जज खुद से रिक्यूज करता है कि मुझे नहीं, मैं ये केस ले सकता, तो केस जो है वो जाता है सीधे चीफ जस्टिस के पास, ताकि वो एक नया अल्टरनेट बेंच बना दे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिक्यूजल। अब रिक्यूजल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, तो देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये रूल किया कि जो पावर है, अब देखिए लाइकलीहुड ऑफ बायस, इसका मतलब क्या है कि भेदभाव होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अब भेदभाव होने के चांसेस कब हैं, जब पार्टी इन्वॉल्व है वो रीजनेबली एक दूसरे को जानती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ आया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल है। फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवनंदा पाठक केस, इन्होंने कहा एज अ प्री कंसीव्ड, सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड जुडिशियल बायस एज अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन टू डिसाइड अ केस और एन इशू इन अ पर्टिकुलर मैनर। कोई इशू है या कोई केस है, उसको इफेक्ट कर सकता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन, पहले से मेरा ओपिनियन उस इंसान के लिए क्या है कि अरे यार वो इंसान तो बहुत शरीफ है, वो ये काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन क्या पता वो अंदर से बहुत खराब हो, चलाक हो, और उसने वो काम किया हो, गलत काम किया हो। तो जो प्री कंसीव्ड ओपिनियन है किसी भी पर्सन के बारे में, ये किसी ना किसी इशू को, केस को पर्टिकुलर मैनर में इफेक्ट कर सकता है, और इसे ही कहते हैं जुडिशियल बायस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नहीं आता तो इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। वैसे भी विजन आईएएस की ये जो करंट अफेयर्स की बुक लिस्ट है, ये
इसमें जो भी है आपको एक एक पॉइंट पे अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। नाउ काइंड ऑफ रिक्यूजल्स दो तरह के होते हैं। ऑटोमेटिक होता है जब एक जज खुद से विड्रॉ करता है केस से। एक होता है जब पार्टी बोलती है कि इसे रिक्यूज किया जाना चाहिए, हाईलाइटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसिंग, कि भेदभाव हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये सब इसमें होता है, दो तरह का होता है, ऑटोमेटिक और व्हेन अ पार्टी रेजेस अ प्ली फॉर रिक्यूजल। 1.3.5 इज ई गवर्न्ड स्टेट। देखिए ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, कि जो भी काम है वो ऑनलाइन होगा। आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है, ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको लाइसेंस बनवाना है, वहां पे ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको कुछ भी और काम है, डीसी ऑफिस है, एसएम ऑफिस है, वहां जाना पड़ता है ना। लेकिन ई गवर्न स्टेट का मतलब है कि आप एक जगह पे बैठेंगे, फोन पे वेबसाइट खोलेंगे या पोर्टल जो भी है उनका खोलेंगे और वहां पे फाइल कर देंगे अपनी एप्लीकेशन, वहीं पे बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा, आपको जस्ट प्रिंटिंग करवानी है और अब तो लाइसेंस भी सीधे घर पहुंचते हैं, है ना। तो इस तरह से है। नाउ ये जो ई गवर्न स्टेट है, इसका कंसेप्ट है कि ई गवर्नेंस, ऑनलाइन हमने सब कुछ करना है। सो केरला पहला स्टेट बना है इंडिया में जो कि ई गवर्न स्टेट बना है, ठीक है ना। इट हैज डिजिटाइज्ड अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी ऑलमोस्ट सभी को इन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, एंड टू एंश्योर प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू सिटीजन। एक प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम से डिलीवरी हो जाए, एकदम से काम हो जाए, प्लस ट्रांसपेरेंट डिलीवरी, जो भी हुआ है सही हुआ है, आपकी आंखों के सामने हुआ है, कोई भेदभाव, कोई कहते ना कि बाइसिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये एक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स है, इंटरनेट है, मोबाइल कंप्यूटिंग को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनहांसिंग गवर्नेंस। गवर्नेंस को और सुचारू रूप से, जो गवर्न करना है कंट्री को और सुचारू रूप से किया जा सके, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यूज करते हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के साथ दो इनिशिएटिव्स केरला के बताए गए, क्योंकि केरला रिसेंटली फुली ई गवर्न स्टेट बना है। तो दो है इसमें, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड ई सेवनम। So, आप दोनों आप इसको रट लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केरला फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट, के फोन प्रोजेक्ट जो है, इसने क्या किया है, इंटरनेट जो है उसको सिटीजन्स का राइट बनाया है, ठीक है ना। अभी देखिए हम यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन पढ़ेंगे, यहाँ पे इस राइट को छीना गया था, ठीक है, कैसे छीना गया था वो हम यही डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इंटरनेट को सिटीजन का राइट बताया गया है। नेक्स्ट आता है ई सेवनम। ई सेवनम क्या है, एक सिंगल पोर्टल है जिसमें 900 से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज को अटैच किया गया है। तो इतने सारे सर्विसेज आप एक जगह एक पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हमारा 1.3.6 आता है वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये तो आपको डेली करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता ही है ना। सो 2023 में इंडेक्स रिलीज किया गया है, इंडिया का इसमें रैंक रहा 161 आउट ऑफ 180। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क टॉप थ्री रहे, नॉर्वे ने टॉप किया है, इतना ही याद रखना है। रिलीज किया गया है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एनजीओज में से एक है, उसने ये रिलीज किया है इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये पब्लिश किया गया वर्डप्रेस फ्रीडम डे को, 3 मई को मनाया जाता है। देखिए मई मंथ के करंट अफेयर्स ही हम पढ़ रहे हैं, राइट नाउ इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है कि कितनी फ्रीडम है किसी कंट्री में, प्रेस को कितनी नहीं है, तो 5 यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, लीगल फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट और सेफ्टी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ हमारा 1.3.7 इज द इंटरनेट शटडाउन। अब ये इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है, कि इंटरनेट को इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी स्टेट में बंद कर दिया, किसी पर्टिकुलर सिटी या लोकेशन में बंद कर दिया, वो हो गया आपका इंटरनेट शटडाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था गवर्नमेंट को कि आप जो अनुराधा भसीन केस में जजमेंट हमने दी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली उसके साथ कंप्लाई करें। अब ये अनुराधा भसीन केस क्या था, देखिए हमें पता है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर पे इम्पोज किया गया था, विच वॉज द स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये स्टेट भी नहीं रहा, अब ना ही ये आर्टिकल रहा, बट इसमें क्या था, स्पेशल स्टेट था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, अपना सब कुछ है ना। नाउ जब 5, 6, 7 या 6-7 अगस्त को 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉपर तरीके से इंडिया में मनाया गया, इंडिया में ऐड किया गया और इसे 2 UTs में बाइफोकेट किया गया, उस टाइम पे सस्पेंड की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में मोबाइल, लैंडलाइन एंड इंटरनेट सर्विसेज, ताकि आर्टिकल 370 को अच्छे से रिवोक कर सके along with the restrictions on movement, और restrictions लगाई गई थी movement में, इधर उधर आप नहीं जा सकते। ये सब चैलेंज किया गया था इस केस में कि आपने किस बेसिस पे वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद की, किस बेसिस पे आपने मोबाइल लैंडलाइन सर्विसेज बंद की, किस बेसिस पे आपने वहां पे जो घूमना फिरना है मूवमेंट बंद की लोगों की, इसे चैलेंज किया गया था अनुराधा भसीन केस 2020 में, ठीक है ना। अब देखिए वहां पे अगर रखते ऑन तो वो फिर इन्फॉर्म करते और लोगों को और
होता है ना, टेररिस्ट आते वहां पे बड़ा कुछ हो सकता था, तो उस चीज को बंद करने के लिए, ताकि इनका कॉन्टेक्ट आउटसाइड किसी के साथ ना रहे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर साथ में है, पाकिस्तान साथ में है, तो काफी कुछ हो सकता था, इसलिए ये सर्विसेज वहां पे बंद की गई थी। नाउ की गाइडलाइंस प्रपोज्ड इन अनुराधा भासिन केस, क्या गाइडलाइंस अब इसमें प्रपोज की गई, क्या ये चीज सही थी जो इंटरनेट वहां पे बंद किया गया। देखिए अगर उस टाइम के हिसाब से देखें तो चीजें तो सही थी, लेकिन अगर लॉ के हिसाब से देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट्स के हिसाब से देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो ये चीजें बिल्कुल गलत थी। कैसे थी गलत, चलिए देखते हैं। सो यहां पे आता है गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सस्पेंड करना इंटरनेट सर्विसेज को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल नाजायज है, अंडर व्हाट, अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। सस्पेंशन आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए, और कोई भी ऑर्डर अगर आप सस्पेंड करने का कर रहे हो अंडर द सस्पेंशन रूल्स, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको समझाया था, देखिए हम सरकार चुनते हैं, 5 साल तक वो सत्ता में रहती है, अब अगर वो कोई लॉ, कोई नियम, कोई एक्ट, कोई कानून ऐसा लेकर आती है जो कि पूरे इंडिया में सब आम आदमी को लगता है कि ये सही नहीं है, आम जनता को लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। एट द मोस्ट हम ये कर सकते हैं कि 5 साल कंप्लीट होंगे सरकार ही बदल देंगे जी, है ना, इससे ज्यादा आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वोटिंग राइट्स है हमारे पास। तो इस केस में पावर आती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास टू जुडिशियल रिव्यू, ताकि जो भी वहां पे लॉ आया है जिसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उस लॉ को फिर से रिव्यू किया जाए कि वो सही है, कहीं गलत तो नहीं है, और अगर गलत है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड करके कैंसल किया जाता है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। नाउ इसी के साथ एक पॉइंट ये वाला भी है जो बहुत जरूरी है, कोर्ट ने ये चीज भी डिक्लेयर की कि देखिए इंटरनेट सिर्फ हम ऑनलाइन चीजों के लिए यूज नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, मूवीज यूट्यूब के लिए यूज नहीं करते हैं, हम इसको स्पीच के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, व्यापार के लिए और कॉमर्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। सो कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। तो इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, तो इन्हें नहीं छीना जा सकता। लेकिन अब बंद करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं इंडिया में, तो क्या रूल्स हैं, तो देखिए इंटरनेट शटडाउन प्रोविजंस जो इंडिया में हैं उस हिसाब से जो सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज का वो किया जाता है, ठीक है, इसमें चाहे आप इंटरनेट शटडाउन को इंक्लूड कर लो। जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स हैं 2017 के, इसके अंडर ये रूल्स बने हैं टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर, तो इसके अंदर आप कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए इंटरनेट को बंद कर सकते हो, लेकिन ये रूल्स जो हैं, ठीक है, प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन अ रीजन, किस ग्राउंड पे, पब्लिक इमरजेंसी कोई हो गई उस ग्राउंड में, एट द मोस्ट एक टाइम पे 15 दिनों के लिए आप इन सर्विसेज को बंद कर सकते हो, उसके बाद आपको ये फिर से चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन समझ में आ गया। अब इसी के साथ आज का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है, वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसमें हम ब्रेन मैपिंग पढ़ेंगे, इसमें हम पॉलीग्राफ टेस्ट भी पढ़ेंगे, बट पहले ये होता क्या है। देखिए टफ लग रहा है, जितना आपको लग रहा है टफ इसमें कुछ होने वाला है, कंसेप्ट टेक्निकल वैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। नाउ नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या बोलता है, रिसेंटली जो रेसलर थे इंडिया में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, ठीक है, और प्रोटेस्ट किया था एंड दे हैव आस्ट फॉर अंडरगोइंग नार्को टेस्ट प्रोवाइडेड इट इज मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि जो नार्को टेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। अब ये नार्को टेस्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन आपका ये नहीं उठता कि दिल्ली में क्या हुआ, क्वेश्चन ये उठता है कि नार्को टेस्ट से रिलेटेड यहां पर बात उठ जाती है। नाउ नार्को टेस्ट में क्या होता है, एक आपका एक सोडियम पेंटोथल होता है, ठीक है, इसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसे ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। और जब इस चीज को, सोडियम पेंटोथल को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, इंसान की जो सोचने समझने की एक शक्ति है वो काफी कम हो जाती है, इवन वो एक रिफ्लेक्स एनिमल बन जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लोअर कर देता है इंसान के सेल्फ कॉन्शियसनेस पावर को, देयर बाय अलाउइंग देम टू स्पीक विदाउट इनहिबिशन। इसलिए इंसान से जब उसको हमने ये चीज इंजेक्ट कर दी उसकी बॉडी में, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, उसको एक जगह बिठा के उसे क्वेश्चनिंग की जाती है और वो सही सही आंसर देता है। हम बोलते हैं ना एक शराबी होता है, तो उससे कुछ भी पूछे वो जो भी बोलता है सही बोलता है, सच बोलता है, जो उसके मन में होता है वो बोलता है, तो वही चीज इसके साथ भी होती है ना। बेशक हम शराब वाले कंसेप्ट को यहां नहीं वो कर सकते, दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अब ये जो टेस्ट है आपको समझ में आ गया, बिना सोचे समझे बोलेगा तो जो भी उसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। और ये टेस्ट जो है गाइडेंस और सुपरविजन जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के या किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अंडर होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ सुप्रीम कोर्ट का एक केस फिर से आया, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अनदर। इन्होंने रूल किया कि आपकी नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, इनको
किसी भी इंसान पे उसकी इच्छा के बिना, उसके कंसेंट के बिना कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कि जजमेंट जो है दैट वाज गिवन टेकिंग व्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो पीछे वाली जजमेंट थी जिसमें हमने पढ़ा कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, ये जो टेस्ट है, नार्को एनालिसिस है, इनको इंसान की कंसेंट के बिना नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर दो आर्टिकल्स को कंसिडर किया गया। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि किसी भी पर्सन को उसी के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जुडिशियली एक्सपेंड करता है राइट अगेंस्ट क्रूल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। तो ये आपको समझ में है, आर्टिकल्स हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, तो उनके अगेंस्ट ये चीज जाती है, इसलिए इंसान का कंसेंट होना जरूरी है। और जो भी वॉलंटरली बोलता है कि हाँ मेरे ऊपर आप ये टेस्ट कर लो, उसे फिजिकल एस्पेक्ट्स इसके क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है, लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, वो सब समझाई जाती है। पुलिस भी समझाता है, लॉयर भी समझाता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी समझाता है। नाउ ये अब जो चला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ है ट्रिकी, कुछ है समझने वाला नहीं, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हमेशा ही याद रहेगा। बट रिविजन टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारे ब्रेन को, है ना। नाउ जो नार्को एनालिसिस रिपोर्ट है, अब किसी का टेस्ट हुआ, उसके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया, उससे क्वेश्चन पूछे गए, उसने सच सच आंसर्स दिए, उसकी रिपोर्ट बनी, लेकिन ये जो रिपोर्ट बनती है, ये जो डेटा कलेक्ट होता है, दिस डेटा इज नॉट एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट। इसको कोर्ट में ले जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे ये इंसान तो गलत है, इसने तो सच में मर्डर किया है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाउएवर, अब ध्यान से सुनिएगा, एनी इन्फॉर्मेशन और मटीरियल दैट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री एडमिनिस्टर्ड टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। क्या बोला है, कोई पर्सन है, उसने मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन वो मानता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आप नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी होगा। उसका टेस्ट हो गया, अब उसे पूछा कि क्या सबूत है कि आपने मर्डर किया, तो वो बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो बताएगा कि वहां पे एक कैमरा लगा है, आप सब भूल गए हैं उसको चेक करना, दैट इज अ हिडन कैमरा, तो वो मैं बंद करना भूल गया था, उस पर कुछ कपड़ा डालना भूल गया था, तो वहां पे मेरी फोटो दिखाई दी जब मैं मर्डर करके गया, मेरे हाथ में चाकू था और उसमें खून लगा हुआ था, ये सब वो बोलता है। नार्को टेस्ट कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट बन गई। अब अगर पुलिस वहां पे जाती है और उसको वो मटेरियल वहां से मिलता है, सच में मिलता है कि हाँ ऊपर तो कैमरा है और उसमें रिकॉर्डिंग है और उसमें वो पर्सन जा रहे हैं, तो अब ये जो मटेरियल उस पर्सन ने बताया, उस पर्सन की जो उसने बोला, इसको हम एज अ प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बोलने पे जो प्रूफ मिला और सच में पता चला कि हाँ वहां पे तो हिडन कैमरा था, इसने तो मर्डर किया है, उसमें फुटेज है, तो उस फुटेज को कोर्ट में ले जाके फिर उस इंसान को सजा हो सकती है। समझ रहे हैं? तो यहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो इंसान नार्को एनालिसिस टेस्ट के थ्रू ये बोल दे यस मैंने मर्डर किया है, उसको भी आप एज अ प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वो प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आता है पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है। नाउ इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन को प्रॉपर एनवायरमेंट में बिठाया जाता है, वायर्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स उसके बॉडी से कनेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर किसी इंसान ने मर्डर किया है तो उससे अगर पूछेंगे उस मर्डर के बारे में, तो ऑब्वियस उसको थोड़ा सा डर लगेगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग उसकी बढ़ जाएगी, तो इस तरह से फिर जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल बिहेवियर का जो होता है इंसान का, वो मेजर किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी इसमें भी क्या है, ब्रेन एक्टिविटी को मैप किया जाता है। ये जो है सेम जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट किया वैसे किया जाता है, लेकिन इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट नहीं किए जाते, आपके ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उसको मेजर किया जाता है। आपके सामने फोटोज या इमेजेस चलाई जाएंगी, उनको देखकर अगर आप डर रहे हो या कुछ आप बिहेव कर रहे हो थोड़ा एबनॉर्मल सा अलग सा, तो वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी यहाँ पे जो है चेक की जाती है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो पॉलिटी का कंसेप्ट था, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स मई मंथ की हम पढ़ रहे हैं, जून भी पढ़ेंगे, तो फिलहाल हमने ये सब पढ़ रखा है ना, पॉलिटी हमारा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम चलेंगे डायरेक्टली अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस है, काफी लेंथी है, बट चार पार्ट्स में मैंने सोचा है, डिसाइड किया है, चार पार्ट्स में से कंप्लीट करवा दूंगी, तो बस आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो देट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।